सुंदर केसट कन्हैया कि दीपक रहे बनाए ओ आल्हा में मानस कही सुनो सुजन चितला। हे भोलेनाथ, सभी ब्रह्मों सहित देव मुनि आदि सदा श्री राम के नाम में मग्न रहते हैं, इसका मुझे कारण बताइए प्रभु। हे महादेवी, प्रभु श्री राम अत्यंत दयालु हैं। उन्होंने शरणागत विभीषण को लंका का राजा बनाया और उधर अहंकारी रावण ने मंदोदरी और अंगद के बार बार समझाने पर भी समस्त राक्षस कुल को नाश के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। इस कथा में आगे क्या हुआ ध्यान से सुनो। कि लंका दहन कराय के किसी सुध दीन ही आए कि आंखें लगी रहे धरती पर ओ मन में रहे तुम्हारा ध्यान ओ राम राम कहती रहती है छोड़ दिया सब खान और पान। हे पवन पुत्र हनुमान, मुझे बताओ देवी सीता कैसी है? माता सीता तो मन वचन और कर्म से आपको अपने हृदय में बसाए हुए हैं, वे नेत्रों को आपके चरणों में लगाए रहती हैं। प्रभु, लंका में उनकी विपत्तियों और कष्टों का कोई वर्णन नहीं कर सकता। प्रभु, कोई वर्णन नहीं कर सकता। हे करुणा निधान माता का एक एक पल कल्प के समान बीतता। हे दीन दयाल, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्ट राक्षसों का संहार कर माता को ले आइए। प्रभु, माता को ले आइए। सुनकर दुख अब सीता जी का रामचंद्र हो गए अधीर, तड़प उठा मन व्याकुल होकर नैनों में भर आया नीर। हाथ जोड़ कर लक्ष्मण बोले और भैया से कहा सुनाए, धीरज रखो तुम हृदय में मन में फिकर करो कुछ नाय, तोड़ फोड़ लंका नगरी को देंगे सागर बीच मिलाए, रावण का हम दुनिया में से देंगे भैया नाम मिटाए। चलते समय माता सीता ने ये चूड़ामणि आपको देने के लिए दी थी, इसे ग्रहण करें प्रभु। मित्र सुग्रीव, अब विलंब का कोई कारण नहीं, इसीलिए हे कपिराज, चलने की तैयारी कीजिए और समस्त वानर सेना को तुरंत लंका की ओर जाने की आज्ञा दीजिए। जो आज्ञा रघुनंदन, मैं अभी समस्त सेना नायकों और सेना को उपस्थित होने का आदेश देता हूँ। इतनी सुनकर हनुमान ने दिया सभी को हुक्म सुनाए, खुश होकर सब भालू बानर बनों के अंदर पहुँचे जाए। सेवा में रह गए राम की कपिपत अंगद और हनुमान, यहाँ तैयारी हुई युद्ध की अब लंका का सुनो बयान। फूंक गए लंका नगरी को जब से हनुमान जी आए,
तब से निश्चर भय चिंता में रहे थे अपना समय बिताए। हे मित्र, मेरा मन बड़ा सशंकित है। जब से भय बानर लंका जलाकर गया है, मेरे मन में भय बना रहता है। शंकर इंद्र नाम से कांपे, भय से लरज रहा संसार। हे अफसोस उसी के घर में ऐसी कायर दुलवर नार। खोटे सगुन होए लंका में, रोज नए होवे उत्पात। ये कैसा अपशगुन? आज प्रथम अवसर है जब दीपक बुझ गया। अपशगुन? रावण के लिए सगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। बुरा कहें सब दस कंदर को, सोच के सिया हरन की बात। एक रोज लंका के अंदर भरा हुआ बैठा दरबार। रावण बैठा सिंहासन पर, आस पास बैठे सरदार। युवराज इंद्रजीत, अनुज विभीषण और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, इसमें तुम्हारा क्या मत है? कहने लगे विभीषण भैया, दस कंधर से कर प्रणाम। तुमको खबर नहीं दुनिया में, तुम हो रहे कितने बदनाम। लंका के फूकने से सबकी हानि कितनी हुई अपार। नजर आगे हुए है कितनों की, बालक वृद्ध युवा नर नार। अभी और ना जाने कितनी नई नई आफत पड़ेगी आए। इसीलिए कहूँ हाथ जोड़ कर, सिया को वापस दो लौटाए। इतनी सुनकर रावण गरजा, कर ले अपनी बंद जवान। भली सलाह क्या दे सकते हैं तुझसे कायर और नादान। हे तात, जिन्हें आप सामान्य मानव समझ रहे हैं, वे तो समस्त लोकों के स्वामी, काल के भी काल साक्षात ईश्वर हैं। अतः हे भ्राता, श्री राम से बैर छोड़कर उनकी शरण में चलिए। भीषण, शत्रु को श्री लगाकर हमारा अपमान मत करो। हे तात, मैं आपके चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप माता सीता को सम्मान के सहित प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए। विभीषण! अरे दुष्ट कुल कलंक, रहता तो तू मेरे नगर में है, परंतु प्रेम तू तपस्वियों से करता है। मूर्ख, अब तू उन्हीं के पास जा और उन्हीं मनवासियों को जाकर अपनी रीति बता, जिन पर तेरी गहरी प्रीति रही है। निकल जा यहाँ से। यह सुन रावण भरा जोश में, सुन कर के ये खोटी बात। गुस्सा खाकर विभीषणी के मारी लात कमर में जाए। बोला भग जा, निकल जा यहाँ से, तू भी पहुँच उन्हीं के पास। तू तारीफ करे है जिनकी, बन कर रहिए उनका दास। हे लंकाधिपति, आपके अनुज विभीषण अत्यंत नीतिवान, उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी में समस्त राक्षस कुल की और आपकी भलाई है। क्या प्रलाप कर रहे हैं नाना माल्यवान? मूर्खता की भी कोई सीमा होती है। मेरी राजसभा में बैठकर तुम दोनों मूर्ख मेरे ही शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो। गरजा रावण फिर ललकारा और दोनों से कहा सुनाए। अभी निकल जाओ लंका से, नहीं जम घाट देऊं पहुंचाए। विभीषण, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, जो तू सीता को लौटाने का कह रहा है। क्या तू अपनी बहन सूर्पनखा का अपमान भूल गया? क्या वानरों से युद्ध करने का साहस तेरे अंदर नहीं रहा? अरे शट,
मेरी छत्र छाया में पलकर बड़ा हुआ है, परंतु पक्ष तुझे सदा शत्रुओं का ही अच्छा लगता है। हे नाथ, मैं जाते जाते भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सद्बुद्धि दें, कि वो आपको सद्बुद्धि दें। यों कहकर चल दिया विभीषण, रामा दल की सूरत लगाए। रावण ने दो बोला गुप्तचर, उनके पीछे दए लगाए। छुपते छुपते वह भी दोनों साथ गए रामा दल आए। घड़ी न गुजरी ना पल बीता, पहुँचे रामा दल में जाए। पहरेदार राम के दल के देख रहे थे नजर उठाए। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले कौन हो तुम? मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ। आप प्रभु श्री राम से जाकर निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। ठीक, भगवान जी, लंका से राजा रावण का छोटा भाई विभीषण आया, वो आपकी शरण में आने की आज्ञा चाहता है। विभीषण से मिलने में कोई आपत्ति नहीं, अतः सादर उन्हें मेरे पास ले आए। जो आज्ञा करना निधान श्री राम। इतनी सुनकर चले वहां से और विभीषण लाए लिवाए। लाए वहां पर जहां बैठे थे हनुमत लक्ष्मण और रघुराय। तभी आए कर विभीषण ने चरणों में दिया शीश झुकाए। हाथ जोड़ कर हिड़की बंद रही, रो रो बिनती रहा सुनाए। हाथ जोड़ कर कहे विभीषण, शरण में आया हूँ महाराज। दीन जान कर दास बना लो, शरणागत की राखो लाज। हे दुखियों के दुख हरने वाले, हे शरणागत वत्सल श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम। हे लंकेश, जो मनुष्य समस्त चराचर का द्रोही हो, वो भी यदि मद मोह छल कपट त्याग कर मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे साधु बनाकर अपना लेता हूँ। मित्र, तुम हमारी शरण में आए हो और हमने तुम्हें लंकेश कहा है। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया था, और इसके बदले हम तुम्हें राज मुकुट पहनाएंगे। जान दो इन बातों को और मुझे तुम दो ये राय, कैसे हमला करे लंका पर इसका भेद देव बतलाए। इतनी सुनकर बात विभीषण बोले हाथ जोड़ सरनाए। आप तो हैं सर्वज्ञ, आपको क्या बतलाऊं भला उपाय। जिस नीति से आप सब समझे, उसका अब तुमको है उपाय। भूत भविष्य और वर्तमान तुम सभी जानते हो रघुवीर। प्रलय कर सकता है जग में ये आपका एक साधारण तीर। हे वानर राज सुग्रीव, लंकापति विभीषण इस समुद्र को पार करके ही लंका तक पहुंचा जा सकता है, परंतु अनेक प्रकार के समुद्री जीव जंतुओं से भरा यह सागर अति आगाध और विशाल है। वानर सेना के साथ इस सागर को पार करना अत्यंत कठिन है।
अतः हे तात, आप ही कोई उपाय बताएं जिससे इस सागर को पार किया जा सके। हे रघुनाथ, आपका एक बाण ही ऐसे करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। सागर है कुल गुरु आपका, विनती करिए चल कर पास। सागर को रास्ता दे देगा या कोई देगा बताओ पाए। हे प्रभु, समुद्र आपके पूर्वज है, आप प्रार्थना कीजिए, ये स्वयं आपको कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे हमारी सेना बिना परिश्रम के ही सागर पार चली जाएगी। सागर की विनती को सुनकर लक्ष्मण कहने लगे से आए, देव देव टेरा करते हैं असली कायर और फकीर। आरजू विनती कभी किसी की करते नहीं है छत्री वीर। भैया, वहाँ एक एक पल माता सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही है और हम ईश्वर के सहारे समुद्र से मार्ग पाने की आशा लगाए बैठे रहे, ये उचित नहीं। ये तो कायरो और आलसी का स्वभाव है जो मन बहलाने के लिए देव देव पुकारते रहते हैं। कृपा कर अपने बाण से समुद्र को सोख लीजिए। बोले राम, करूंगा यह भी मन में भैया करो यकीन, लेकिन मेरे कहने से तुम और ठहर जाओ दिन तीन। ऐसा ही करूंगा लक्ष्मण, ऐसा ही करूंगा, तुम मन में धीरज रखो। सुनकर लक्ष्मण जी चुप हो गए, राम गए सागर पर आए, विनती करने को सागर की उन्होंने आसन दिया बिछाए। राम को विनती करते करते तीन दिना जब बीते जाए, कुछ भी असर न होते देखा क्रोध गया रघुबर को आए। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण लेके आओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। लीजिए भ्राता श्री। लक्ष्मण, मैं इस जड़ समुद्र से तीन दिन से विनय कर रहा हूं, परंतु यह है कि विनय नहीं मानता। सत्य ही कहा है कि भय बिना प्रीत नहीं होती। मैं इसी समय इस अग्नि बाण का संधान करके इस समुद्र को सुखा देता हूं। लेकर धनुष राम ने चढ़ाया, उस पर अग्नि ऐसा बाण, कांपा सागर दिल ही दिल में, जीव जंतु लागे दिल कान। त्राही माम प्रभु, त्राही माम, त्राही माम प्रभु, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम प्रभु, त्राही माम। क्षमा करो, मैं शरणागत हूँ, दया करो हे दीन दयाल, सदा करते आए हो प्रभु जी, दासों के तुम हो प्रतिपाल। जीव जंतु सब व्याकुल होकर अपने तज देंगे सब प्राण, इसीलिए विनती करता हूँ दया करो हे दया निधान। हे नाथ, मुझसे अपराध हो गया, मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। लंका पर धावा करने का बतलाता हूँ तुम्हें उपाय, आपके दल में दो बानर हैं जो नल और नीले कहलाए, उनके लाए छुए सब पत्थर पानी पर ही तैरते राय। आज्ञा दे करके अब उनको लो लंका का पुल बंधवाए। हे नाथ, आपके प्रताप से मैं क्षण भर में सूख जाऊंगा, आपकी सेना भी पार उतर जाएगी, परंतु इसमें मेरी मर्यादा चली जाएगी। अब आपको जो अच्छा लगे
मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत वहीं करूंगा, क्योंकि वेद भी यही कहते हैं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। तो हे समुद्र देव, जिस भी प्रकार से ये वानर सेना समुद्र पार हो जाए, ऐसा ही कोई उपाय बताइए। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर भाई हैं, जिन्हें बचपन में ऋषि से आशीर्वाद मिला था कि उनके स्पर्श से भारी से भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। हे प्रभु, इस प्रकार मेरे ऊपर आप एक सेतु का निर्माण कीजिए। हे समुद्र देव, आपने जो उपाय बताया है वो अत्यंत अद्भुत है। इससे ये वानर सेना सरलता से पार हो जाएगी। परंतु समुद्र देव, इस बाण का संधान मैंने आपके लिए किया है, और संधान किया हुआ बाण कभी खाली नहीं जाता। इसीलिए आप ही बताएं कि मैं इस बाण का प्रयोग किस पर करूं। हे नाथ, मेरे उत्तर तट पर द्रमकल्ल नामक हमारा एक पुण्य स्थान है। वहां पर उग्र स्वभाव युक्त क्रूर कर्म करने वाले 60,000 की संख्या में महाशूद्र पापाचारी चोर रहते हैं। हे नाथ, आप इस बाण का प्रयोग उन्हीं के लिए कीजिए। उनका वध कर मुझे उनकी दुष्टता से मुक्ति दिला दीजिए, मुक्ति दिला दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा समुद्र देव। इतनी सुनकर रामचंद्र ने उत्तर का दिया बाण चलाए, अभय दान देकर सागर को करके विदा दिया लौटाए। हुकुम सुनाया लक्ष्मण जी को, मैं भैया का लेऊं बलाय, डबल पूछ बोलो लश्कर का और लंका को घेरो जाए। ये मनमानी जब लक्ष्मण के और हृदय में गई समाए, बोले लक्ष्मण हनुमान से जोधा सुन लो कान लगाए, बरनी हो गई है लंका की राजा रावण के दरबार, करो तैयारी अब जल्दी से सारे अफसर लिए बुलाए। इतनी सुनकर हनुमान ने सारे अफसर लिए बुलाए, अंगद अंगद को ललकारा और सुग्रीव से कहा सुनाए, हुकुम सुनाया जामवंत को जो सब रीछों का सरदार, हुकुम दिया है रामचंद्र ने लश्कर जल्द करो तैयार। ये मनमानी जामवंत के जब हृदय में गई समाए, उल्टी बम सब सीधी कर दी मारू बाजा दिया बजाए, जितने अफसर थे लश्कर में सबने बांध दिए हथियार, लश्कर सज गया नीलवंत का नल और नील हुए तैयार, बेटा सज गया है बाली का और सुग्रीव हुआ तैयार, गुम्मट बंध गया रजपूतों का बंदर नहीं पड़े सुमार, बजा नकारा जब लश्कर में धोसा पड़ा बम पर जाए, करो तैयारी अब चलने की सब दल कमर बंद हो जाए, राम और लक्ष्मण दोनों सज गए तीर कमान को लिया उठाए, कुछ बोल दिया सब लश्कर ने दोनों बड़े अगाड़ी जाए। नल और नील ने सब चीजों को नीचे ऊपर धरा समार, पुल तैयार हुआ सागर का सारा लश्कर दिया उतार, पहले झंडा रामचंद्र का स्वर्ग लोक में पहुंचा जाए, दूसरा झंडा हनुमान का जिस पर लाल ध्वजा फहराए, लगी कचहरी रामचंद्र की अंधाधुंध लगा दरबार, राम और लक्ष्मण दोनों बैठे बैठे बड़े बड़े सरदार।
और लक्ष्मण दोनों बैठे बैठे बड़े बड़े सरदार जामवंत सुग्रीव अंगद हनुमान वहां बैठे जाए सारे अफसर हुए इकट्ठे जोधा एक से एक सिवाय रामचंद्र बोले लक्ष्मण से भैया सुन लो कान लगाए लिख दो चिट्ठी अब लंका को और रावण को लिखो बनाए ये मजबून लिखो चिट्ठी में राजा लंका के सरदार तुझ पर चढ़े अयोध्या वाले जो दशरथ के राजकुमार ये मनमानी जब लक्ष्मण के और हृदय में गई समाए लिख कर चिट्ठी लंका पत को ऊपर मोहर दई लगवाए। अब प्रश्न ये है कि दूत बनाकर किसे भेजा जाए। प्रभु मेरे मत से इस कार्य के लिए युवराज अंगद को भेजना चाहिए। हुकुम सुनाया फिर अंगद को जो बाली का राजकुमार ले जाओ चिट्ठी तुम लंका में राजा रावण के दरबार इतनी सुन ली जब अंगद ने चरणों में दिया शीश नवाए लेकर चिट्ठी रामचंद्र की वहां से कूच दिया करवा।